कर्मचारी एकता जिंदाबाद, 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 कार्यकारी अभियंता मुर्दाबाद, 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 मांग न माने मुर्दाबाद, 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 जोर से बोलो मुर्दाबाद, 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 हरियाणा पीडब्ल्यूडी कर्मचारी संघ जिंदाबाद, 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 हरियाणा राज्य कर्मचारी संघ जिंदाबाद, 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 मांग न माने मुर्दाबाद, 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 22 तारीख को धरना देंगे, देंगे, देंगे। कृष्णलाल गुजर, प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा राज्य कर्मचारी संघ, संबंधित भारतीय मजदूर संघ हरियाणा। आज हमारी जिला प्लस ब्रांचों की बैठक थी, जिसमें पब्लिक हेल्थ BNR और सिंचाई विभाग की तीनों विंग आज बैठक में शामिल हुए, जिसके अंदर हमने गत 6 जुलाई को एक मांग पत्र दिया था कार्यकारी अभियंता मंडल नंबर 2 सिरसा को, जिसके अंदर फील्ड कर्मचारियों की लंबित मांगे को समाधान करने हेतु, लेकिन उस कार्यकारी अभियंता ने अपनी टाल मंडोल नीति तानाशाही रवैया अपनाते हुए 13 तारीख तक समय नहीं दिया। उसके बाद में बैठक करके आगामी संघर्ष की रूपरेखा की गई, जिसके अंदर 22 तारीख का उक्त भ्रष्ट कार्यकारी अभियंता को अल्टीमेटम दिया गया, 22 तारीख तक अगर बातचीत करके रास्ता अपनाता है ठीक है, नहीं तो 21 तारीख तक बातचीत करके आप मांगों का हल करते हैं, नहीं तो 22 तारीख को उनके कार्यालय पर पूरे जिला स्तर का एक जोरदार संघर्ष किया जाएगा, जिसके अंदर अगर सरकारी काम में बाधा पड़ती तो उक्त भ्रष्ट अधिकारी तानाशाही रवैया जो अधिकारी है वो ही जिम्मेवार होगा। जिसके अंदर मुख्य मांगे कि क्लास 3 तृतीय श्रेणी के जो हमारे कर्मचारी हैं, वर्क सुपरवाइजर है, मेट है, डी ग्रुप के जो कर्मचारी हैं, उनकी वरिष्ठता सूची बनाई जाए, उनकी जो दो दो साल से SCP पेंडिंग है वो SCP लगाई जाए, और जो कर्मचारियों को इसने ज्वाइन करते कर्मचारियों पर जो सरकार से और विभाग के उच्च अधिकारियों से जो मांगे मनवाई गई है उनको भी काटने का काम किया है अपनी तानाशाही रवैया अपनाते हुए, वो उसको लेकर BNR ब्रांच सिरसा ने संघर्ष का अल्टीमेटम दिया है, और आगामी तौर पर बात नहीं करेगा तो और जोरदार आंदोलन किया जाएगा, जिसके अंदर शहर के अंदर प्रदर्शन करते हुए DC कार्यालय पर जाकर इसकी अर्थी फूंकने का काम करेंगे। ऐसी हरियाणा में किसी अधिकारी की ताकत नहीं है जो हरियाणा पीडब्ल्यूडी कर्मचारी संघ से जायज़ मांगों को लेकर अड़ियल रवैया अपनाए, 2 दिन के अंदर ही समस्या का हल कर उसको करना पड़ेगा, क्यों हजारों की संख्या में कर्मचारी जाएगा, उसका जीना दूभर हो जाएगा, सरकारी कार्यालय के अंदर काम का बाध्या पड़ेगा, और बाध्य होने पर सरकार जो जिला प्रशासन है अपने आप एक्शन लेगा, जिला प्रशासन को भी हमने सूचित कर दिया है भी 13 तारीख को हमारे को नहीं बुलाया, 13 तारीख को इसको कट ऑफ डेट दी थी जिसके अंदर इसने नहीं बुलाया, और अब उसके बाद बैठक करके 22 तारीख तक इसको कैल बोल दिया, 21 तारीख जुलाई तक समय रहते बुला लेगा ठीक है, अन्यथा 22 तारीख को इसका घेराव भी किया जाएगा, सुबह शाम तक धरना प्रदर्शन किया जाएगा, जरूरत पड़ी तो इसके कोठी पे भी नारेबाजी करने का काम संगठन करेगा। जो BNR ब्रांच सरसा है हमारी वो एक्टिव है, जिसके अंदर 2 मंडल है, इलेक्ट्रिकल है, नेशनल हाईवे है, हॉर्टिकल्चर है, मैकेनिकल वर्कशॉप है, सभी के सभी कर्मचारी BNR के सैकड़ों की संख्या में, और जिला की जरूरत पड़ी तो जिला कमेटी में हमारे साथ खड़ी है आदरणीय जिला प्रधान तेलुराम जी हैं, इनकी अध्यक्षता में आज बैठक हुई थी, तो आज मुख्य रूप में मैं भी सिरसा में था इसलिए इनकी बैठक के अंदर आए, सुझाव दिया भी ठीक है आंदोलन करो, आंदोलन के सिवा संगठन के पास कुछ नहीं है, तो इसलिए हम तो यही निवेदन प्रशासन से भी और सरकार से करना चाहते हैं, जो सरकार का माहौल ख़राब करने के लिए अधिकारी ऐसे बैठे हैं इन पर तुरंत प्रभाव से लगाम लगाए, अन्यथा संगठन आंदोलन करने मजबूर होगा, जिसके अंदर सरकारी काम में बाधा आती है तो उक्त भ्रष्ट अधिकारी तानाशाही अधिकारी ही जिम्मेदार होगा।